तुम्हें पता भी है कि हम इस वक्त कहाँ हैं एपेक? मुझे क्या, ये तो मैप को भी पता नहीं। कैसी जगह है ये, रोड का नाम तक नहीं है। अरे यार, अब हम क्या करेंगे? अब क्या, थोड़ी देर में ही शाम हो जाएगी, हर तरफ अंधेरा हो जाएगा और अपनी गुफा में छुपे जानवर हमारे पीछे आ जाएंगे। ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। देखो ये अच्छी बात है, अगर हम डर रहे हैं तो अच्छा है, पता चलने से पहले ही किसी जानवर का हम डिनर बन जाएंगे। बस करो, एक आखिरी रास्ता है, दुआ मांगो कि कोई इस जंगल में हमें बचाने आ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? वही तो कह रही हूँ, हम डिनर बनेंगे। अरे यार, फिर शुरू हो गई। पता है, मैं भी एक ईगल की तरह हूँ डियर, अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हें चाहूंगा, तब भी प्यार करूंगा जब तुम मुझसे लड़ोगी और तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। मैं तुम्हें चुनूंगी मेरे हीरो, तुम बहुत स्वीट हो। देखो वो रहे दोनों। रुक जाओ, क्या कर रही हो? इन पंछियों को मारने के लिए शिकारी आ गए, थोड़ा शांत नहीं रह सकती ताकि जानवर शांति से रहे? हमने पहले ही नेचर बर्बाद कर रखा है, उनमें से अब कुछ ही बचे। वो लोग यहाँ शांति से रहने आते हैं, क्या तुम लोग उन्हें शांति से रहने नहीं दे सकते? बिल्कुल रहने दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे बाल फिर से फ्रीजी हो रहे हैं। वैसे हमें हयात को शुक्रिया कहना चाहिए, अगर वो मेरी जगह जॉब नहीं करती तो हम साथ में यहाँ पर नहीं होते। तो बताओ कौन सा काम अर्जेंट था? सुना मैंने जॉब छोड़ दी है। क्या, क्यों, कब? शांत रहो, इतना चिल्लाओगी तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं एक एक करके उनके पर निकाल के फेंक दूंगी। अब बताओ हयात, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझ पे बेईमानी का इल्जाम लगाया था, इसीलिए करना पड़ा। तो रिटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जासूसी का मतलब क्या है? मैंने तुम पर भरोसा किया है यार, मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुना मेरी जान, पंछी चले जाएंगे तुम मिस करोगी। तुम चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करते? वो जो पंछी दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हारे सर पर ही घोंसला बना देंगे। अब मैं पापा से जाकर क्या कहूंगी? आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा हो, मुझे लगा था मैं कुछ कर पाऊंगी, लेकिन इस सब की वजह यही है, मेरा एक्स बॉस मिस्टर मुराद, जरूर इसने मुझे दुखी करने के लिए ही फोन किया, मैं नहीं उठाऊंगी। हाँ बिल्कुल मत उठाना, पर साइलेंट कर दो, शायद तुम इनके पंछियों को डिस्टर्ब कर रही हो। उसका फोन उठाओ हयात और हल निकालो, उसे बात करो, माफी मांगो, उसे मजबूर करो, कुछ भी करो हयात। सुना मुझे माफ कर दो, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी की है, इसलिए सॉरी मैं नहीं बोलूंगी। ओके, शायद उसे पछतावा हुआ होगा इसलिए फोन किया होगा। उसे और पछतावा कभी नहीं। मैं कह रही हूँ इसलिए कॉल करो, अभी मुराद को फोन लगाओ। अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। हयात, हमें बात करनी चाहिए, मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, अगर तुम मिल सको तो। मैं घर पर नहीं हूँ, और वैसे भी क्यों, क्या बात करना चाहते हो तुम? नो प्रॉब्लम, बता दो कहाँ मैं आ जाता हूँ, हमें इस मामले को आज ही सुलझाना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर इतना ही जरूरी है तो, पर मैं बता देती हूँ यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, इनफैक्ट हम किसी अच्छी जगह मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। पता नहीं अब इसे क्या हो गया। मेरी जान, तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? अब तक तो हम कितने अच्छे से जा रहे थे, अचानक क्या हो गया तुम्हें? हमें इंतजार करना होगा, अब मुझे गुस्सा आने लगा है। कार की गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर स्पेसशिप भी मेरे सिर पर गिर गया ना तो मुझे हैरानी नहीं होगी, और ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से मैं अपने बॉस से मिली हूँ। चलो वापस चलते हैं,
जाके सुना से मदद लेते हैं, अब वही मदद कर सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं मेरी एंजल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उसे ऐसे पहाड़ पर छोड़ के नहीं जा सकती, पहले ही किसी की नजर लग गई लगता है। अरे यार, सबके सब पागल हो गए हैं यहाँ पर मुझे छोड़कर। देखो एपेक, तुम एक मॉडर्न लड़की हो, इतनी बेवकूफी वाली बात मत करो। ये बस एक कार है, एक मशीन। देखो तुम जबरदस्ती मत करो, हर किसी का वीक पॉइंट होता है। मैं मेरी एंजल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस। अच्छा ठीक है, तुम और तुम्हारी एंजल यहीं पर पड़े रहो, फिर पछताना मत जब तुम्हारी दोस्त को कोई जानवर खा जाएगा तो। अगर मैं वापस नहीं आई ना तो सबको अलविदा कह देना और बताना ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जा रही हूँ, गुड बाय। एक माँ अपनी एंजल को नहीं छोड़ सकती, अभी तो उसके इंस्टॉलमेंट्स भी बाकी हैं। मुराद सर, ये कोई साजिश तो नहीं? क्या मतलब कह रहे हैं? सर, आपने मिस हयात को अपसेट किया है, शायद वो आपसे अपना बदला ले रही हो, जैसे आपको किसी सुनसान जगह पर बुलाना और फिर आपको शूट कर देना। मुझे पता है कि वो गुस्सा है, पर यकीन भी है कि वो ऐसा करने के बारे में सोचेगी नहीं। लगता है नौकरी जाने के बाद उस लड़की ने जंगलों में रहने का फैसला कर लिया है। हाँ शायद, हयात का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है।